आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी और भीम की एक रोचक कहानी जो महाभारत के समय में घटी थी। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को चिरंजीव कहा गया है। उनकी उपस्थिति रामायण में भी थी और महाभारत में भी थी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद हैं। आज हम आपको एक रोचक किस्सा बताएंगे जो महाबली भीम और बजरंग बली के बारे में है। एक बार भीम को यह घमंड हो गया कि दुनिया में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है, उसमें 100-100 हाथियों का बल है, दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य फूल लाकर मुझे दें। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की तरफ चल दिए। लेकिन अचानक चलते चलते उनके बढ़ते कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लाचार और कमजोर वानर रास्ते में एक बड़े पत्थर पर लेटा हुआ है। उसने अपनी पूंछ आगे से उस पत्थर पर बिछा रखी थी और पूरा आगे का रास्ता रोक रखा था। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। महाबली भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ उठाओ और मेरे को आगे जाने दो। इस पर वानर ने कहा कि मैं एक बूढ़ा और लाचार वानर हूँ, मुझसे हिला डुला नहीं जाता, आप इसे खुद ही हटा लीजिए। वानर ने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, तुम एक पूंछ आसानी से हटा सकते हो, अगर ये पूंछ नहीं हटा सकते तो इतना बड़ा शरीर किस काम का। इस ललकार को सुनकर महाबली भीम ने गदा अपने कंधे से हटाई और कहा, यह मामूली सी पूंछ हटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को परास्त किया है। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा, लेकिन भीम से वह पूंछ हिल न सकी। इसके बाद भीम ने अपने दोनों हाथ लगाए और पूरी ताकत से पूंछ को हिलाना चाहा, लेकिन पूंछ नहीं हिल सकी। यह देख वानर मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। काफी देर आजमाने के बाद महाबली भीम को समझ में आ गया कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है, अपितु यह भगवान की ही एक लीला है। भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वानर राज को प्रणाम किया और कहा, हे वानर राज, आप मुझे अपनी असली पहचान बताएं, अपना रूप दिखाएं। हनुमान जी ने भीम को अपने दर्शन दिए और अपनी पहचान बताई। भीम ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया।